परशुराम जयंती पर जयपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा के कार्यालय पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं कोरोना लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया और पूजा अर्चना कार्यक्रम को फेसबुक के माध्यम से लाइव किया गया। परशुराम जयंती पर पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने अपने घरों पर बैठकर पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल हुए। महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम भारती के सानिध्य में सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और देश को कोरोना संक्रमण से बचाने की दुआ मांगी। इस दौरान दिनेश शर्मा, तरुण भारती, नीलम मिश्रा, बाबूलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पर आज महासभा के कार्यालय में हम लोगों ने भगवान परशुराम जी की पूजा की है, क्योंकि कोरोना वायरस का संकट पूरे विश्व में सामने दिख रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साथ साथ मुंह पर मास्क लगा के एक संदेश देने के साथ हम लोगों ने आज भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना करी है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। भगवान परशुराम जी सभी लोगों से कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो कि हमारे जो संकट सामने दिख रहा है उसका निवारण हो। भगवान से हमने आज प्रार्थना करी है। आज पूरे देश भर के ब्राह्मणों से हमने आह्वान किया है कि अपने अपने घरों पर शाम को दीपक जलाएं। हर वर्ष परशुराम जयंती पर भव्य आयोजन होता है, पर इस बार हम लोगों ने आयोजन न करके सिर्फ पूजा अर्चना और भगवान परशुराम जी के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा है। तो पूरे देश भर में ब्राह्मण समाज के लोग घर घर में दीप जलाएंगे और मुख्य समारोह हम लोगों ने यहाँ पे आज परशुराम जी की पूजा अर्चना करके भगवान परशुराम जी के समक्ष हम लोगों ने कहा है कि भगवान परशुराम जी इस संकट के काल से हमें मुक्ति दिलाएं।